हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जानेंगे और इन दोनों के बीच फ़र्क भी समझने की कोशिश करेंगे। पैसिव इनकम का क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो पाने के लिए मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ा था। कोई भी इनकम, जैसे कि मैं रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, रेगुलर अपना योगदान देता हूँ और उससे मुझे सैलरी या कोई इनकम मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ माय पार्टिसिपेशन, ऐसा इनकम एक्टिव इनकम कहा जाता है। जबकि पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता है। पैसिव इनकम में आपको काम तो करना पड़ता है, एक बार आपने काम कर लिए उसके बाद रेगुलर बेसिस पे वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके का इनकम पैसिव इनकम के नाम पे जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये दोनों इनकम समझने में और आसानी रहेगी। जैसे कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप हर रोज़ पंच करते हैं, अटेंडेंस लगता है आपका और फिर आपको सैलरी मिल जाता है। तो आप एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं, आपको सैलरी मिलता है। या तो कोई शॉप है जो कि आप खुद मैनेज करते हैं, आप खुद बैठते हैं वहाँ पे, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपको उससे कुछ मुनाफा हो जाता है। तो इस तरीके की इनकम को हम लोग एक्टिव इनकम कहेंगे। जबकि पैसिव इनकम का भी बहुत एग्जाम्पल है और उसका अलग अलग बेनिफिट भी है, तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि वही शॉप अगर आपने रेंट पे चढ़ा दिए और आपको हर महीने रेंट मिल जाता है, तो इसमें आपको कुछ कर नहीं प आपको कुछ करने करना नहीं है, जस्ट मंथ के एंड पे आपको रेंट का पैसा लेना है। या तो आपके पास कोई खाली घर है जो आपने रेंट पे चढ़ा दिए है और मंथ के एंड पे आपको पैसा मिल रहा है, तो इस तरीके का इनकम पैसिव इनकम कहलाता है। आपका कोई खुद का छोटा बिजनेस भी हो सकता है, जहाँ पे 3-4 एम्प्लॉय है, वो लोग खुद से वो काम कर लेते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्शन रिपोर्ट देखते हैं, इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस भी पैसिव इनकम के अंदर ही आ जाता है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपने एक दफ़ा वीडियो पोस्ट कर दिए और आप अभी मज़ा कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका यूट्यूब चैनल में व्यूज़ आ रहे हैं, जिसके बिना पे आपको पैसा मिल जाता है, तो ये भी एक पैसिव इनकम ही है। या तो आपने अपना पैसा स्टॉक्स में लगाया है, बॉन्ड्स में लगाया है, जहाँ पे आपका पैसा रेगुलर ग्रोथ हो रहा है, तो ये जो ग्रोथ आ रहा है ये भी इनकम पैसिव इनकम कहलाता है। और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपको रॉयल्टीज़ मिल जाता है, जैसे कि आपके म्यूज़िक है खुद का, स्क्रिप्ट है या कुछ पेटेंट है जहाँ से आपको रॉयल्टीज़ मिलते हैं, तो ऐसे इनकम को पैसिव इनकम कहा जा सकता है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। पैसिव इनकम का, पैसिव इनकम जब आप जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम आता रहता है आपका खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना। और अगर ये पैसा आपका फैमिली का मंथली जो नीड्स है वो पूरा कर दे, तो आप एक अलग स्टेज पे चले जाते हैं, जिस स्टेज को फाइनेंशियल लिटरेसी में फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं, तब आपको कोई चिंता नहीं रहता है कि मुझे एक्टिवली काम करना ही है, तभी मेरा फैमिली खुश रहेगा, तभी मेरा फैमिली का जो नीड्स है वो पूरा हो पाएगा। तो इस स्टेज में जाके आप एक अलग सुकून महसूस कर सकते हैं और हैप्पीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना एक्टिव मैनेज्ड कोई भी काम पे। पहले आप बॉस के डर पे काम करते थे, अभी जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम रह हो गए हैं तो आप हैप्पीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस काम पे, और इससे एक आपका काम पे क्वालिटी भी अच्छा होता रहता है। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप लोग भी अपने हिसाब से पैसिव इनकम जनरेट करें और हैप्पीली लाइफ को एन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच।